भैया हम यहाँ पे कितने साल से हैं? ये कम से कम 70 वर्ष हो गए होंगे। अच्छा 70 वर्ष। हमारी 3 पीढ़ियाँ होंगी। अच्छा तो जो पहली पीढ़ी थी वो किस? लक्ष्मी नारायण जी के नाम से थी, संस्थापक थे वो। ओके तो 70 सालों से चला आ रहा है अभी भी। तो इस समय जो नाम इनका फेमस है वो है नवीन शर्मा जी पकौड़ी वाले। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये किस चीज़ के बने हुए भैया? ये बैंगन के पकौड़े। ये बैंगन के पकौड़े आप देख रहे हैं। ₹20 किस चीज़ के पकौड़े भैया? आलू के पकौड़े भैया जी। ये आलू के पकौड़े। उबाला हुआ है? हाँ उबाल के मिलता है। लास्ट ये हमारा कटहल है तो सो उबाल के बना रहे हैं। जैसे बताया भैया ने पहले उबाला जाता है जैसे बेसन में लपेट के मिर्च के साथ। क्या क्या आपके यहाँ पे क्या क्या पकौड़े मिलते हैं? फिर यहाँ गोभी, पालक, आलू की टिक्की, कमल ककड़ी, कटहल, बैंगन, ब्रेड पकौड़ा, प्याज, मिर्ची, धनिया, पुदीने की चटनी है ये। अच्छा देखिए धनिया पुदीने की चटनी है। और क्या क्या मसाले देते हैं? मसाला ये है, कई मसाला मिक्स होता है इसमें, नमक, मिर्ची, धनिया, काला नमक, काली मिर्च पाउडर। तो किस नाम से आपकी शॉप है? ये नवीन शर्मा जी पकौड़े वाले। नवीन शर्मा जी पकौड़े वाले। एड्रेस भी बताते हैं भैया एक बार। विष्णु घाट चौक, विष्णु घाट हरिद्वार।
भैया चटनी कटहल के पकौड़े हैं हमारे, जैसे आप देख रहे हैं। पहले मैं हाफ फ्राई किया था, अभी ये फुल फ्राई हुए हैं। हमने पनीर पकौड़ा लिया हुआ है और दूसरा हमारा ब्रेड पकौड़ा है। ब्रेड पकौड़ा और पनीर पकौड़ा, ये दोनों हमने लिए हुए हैं। तो इसका हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि यहाँ के जो फेमस पकौड़े हैं वो एक्चुअल में टेस्ट में है कैसे।